चट्टान सीरीज के नॉवल चट्टानों में फायर का पार्ट 19। दूसरी सुबह मेहमान और घर वाले सब बड़ी बेचैनी से कर्नल जरखान का इंतजार कर रहे थे। ओली योगा के कागजात का पैकेट लेकर थाना देवगढ़ी की तरफ गया था। सब ने उसे समझाने की कोशिश की कि इसका थाना जाना ठीक नहीं है, मगर कर्नल किसी को भी अपने साथ अमरा ले जाने का कसम नहीं माना। इमरान तो रास्ते गायब था, उन्होंने बड़ी देर तक चट्टानों और घरों में तलाशी और फिर था घर घर वापस आ गए। सूफिया को भी इमरान की इस हरकत पर हैरत हुई थी, मगर उसने कुछ कहा नहीं। तकरीबन 10 बजे कर्नल सरगाम वापस आए, इसके चेहरे पर थकन साफ जाहिर थी। इनने कुर्सी पर गिरकर अपना जिसम फैलाते हुए एक तवीला लड़ाई दी। क्या रहा कर्नल, लिख सकने को कुछ नहीं और बिल्कुल सन्नाटा था। मैं पैकेट एक महफूज मुकाम पर रखकर वापस आ गया, उसका सरगाम ने कहा। थोड़ी देर बाद खामोश हुआ, फिर कहने लगा, वहाँ से सही सलामत वापस आने का लग यह कि अब लियो का मुझे मेरे ख़ानदान वालों को नुकसान नहीं पहुँचाएगा। वो कुछ और कहता लेकिन फिर अचानक इन सब ने इमरान का कहना सुना। वो कंधे से एयरगन लटकाए हुए कमरे में दाखिल हुआ। इसके चेहरे पर इस वक्त मामूल से ज़्यादा हिमाकत बरस गई थी। वो कर्नल साहब, उन्हें फिर बात कहा, वो बेओ को बनाया ली होगा को नौ सौ बिल्ला नहीं बल गलेबन सुबह अल्लाह कहना चाहिए। आगे बहुत सही नाम है, क्या बात है कर्नल साहब, काम जुमला कर बोला। यही पैकेट रखा था आपने, इमरान ने जेब से एक ब्राउन रंग का पैकेट निकाल कर दिखाता हुआ बोला। क्या ये तुमने क्या किया, कर्नल उछल कर खड़ा हो गया। इमरान ने पैकेट फाड़ कर इसके कागजात फर्श पर डालते रहेगा। लियो का समझदार करते आपको शर्म आनी चाहिए थी, इसके बावजूद भी इसने आपको जिंदा रहने दिया। फर्श पर बहुत सारे सादा कागजात बेतरतीबी से बिखरे हुए थे। कर्नल बुखलाए हुए अंदाज में कागजात पर चौपक पड़ा, मगर वो सन्नम में बात बता से बोला, मैंने तो कागजात रखे थे मगर तुमने उसे वहाँ से उठाए गए, इसलिए कि मैं लियो का हूँ, इमरान ने गुरज कर कहा। तुम कर्नल, हकलाकर बोला। बाकी लोग भी मुँह खोले इमरान को घूर रहे थे और इमरान के चेहरे पर हिमाकत गए गए सब फाते नजर आ रही थी। नहीं नहीं, सूफिया खौफजदा अंदाज में जो है इमरान ने कंधे से गन एयरगन उतारी और उसे बारतोशी धक्कांते बोला, मिस्टर बारतोश पिछली रात तुमने मुझे पकड़ने की स्कीम बना रहे थे, बताओ तुम्हें तो मैं सबसे पहले ख़त्म करूँगा। ये क्या बदतमीजी बारतोश, सरगाम की तरफ देख कर खुद आया, मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो कर्नल टक्सन से बोला, मैं किसी होटल में काम करना पसंद कर लूँगा, ये बदतमीज सेक्टरी शुरू से हमारा मजाक उड़ा रहा है। जरखाम डिक्सन ने कहा, बेहदा सेक्टरी से बात हो, मिस्टर बारतोश से माफ़ी मांगी। मिस्टर बारतोश, इमरान चुपते हुए बोला, मैं माफ़ी चाहता हूँ लेकिन तुम असली कागजात का पैकेट हजम नहीं कर सकोगे, बेतेरी के उसे मेरे हवाले कर दो। क्या मतलब, कर्नल जरखाम एक बार फिर चौंका। बारतोश का एक हाथ बड़ी तेज़ी से जेब की तरफ गया लेकिन दूसरे लम्हे में इमरान की एयरगन चल गई। बारतोश चीख मारकर पीछे हट गया, इसके बाजू से खून का फव्वारा निकल रहा था। फिर यकबैस ने इमरान पर छलांग लगाई। इमरान बड़ी तेज़ी से एक तरफ हो गया।